हेलो फ्रेंड्स मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे बात करूंगी कई बार क्या होता है कि हम लोग पानी में कटिंग्स को लगाते हैं पानी में कटिंग्स की रूटिंग जल्दी हो जाती है इसलिए ये लोग कई प्रेफर करते हैं कि पानी में कटिंग को लगा दो जैसे ये देखिए ये पौधा ये मैंने इसमें रख दिया था यूँ पानी बारिश का आया तो देखिए अब इसमें ये जड़ें आ गई हैं ये देखिए है ना ये बास्केट प्लांट है इसमें रूटिंग बहुत जल्दी होती है ये ये नई जड़े हैं देखिए वाइट वाइट ये जो आई हुई है लेकिन फिर क्या होता है कि जब इस पानी में लगे हुए पौधे को हम मिट्टी में लगाते हैं तो ये कई बार ये कटिंग्स चलती नहीं है तो ये कई बार क्या बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये कटिंग्स चलती नहीं है तो ये कटिंग इसलिए नहीं चलती है क्योंकि ये जो रूट्स हैं ये बनी है पानी के अंदर तो ये इस चीज के लिए एडेप्टेड है कि इनमें पानी से ये फूड को एब्जॉर्ब कर सकती हैं पानी में घुला हुआ है उसमें से ये ले सकती हैं खाना इस तरह से इनमें ये बनी है इनका फॉर्मेशन इस टाइप से हुआ है ये पानी में रह सकती हैं जब इन्हीं जड़ों को ये जो दिख रही है ना व्हाइट व्हाइट सी या येलो हो जाती हैं जो भी इन्ही जड़ों को जब हम मिट्टी में लगाएंगे ना तो इनमें अभी वो इस, इनको आदत नहीं है कि मिट्टी से भी उसी तरह से न्यूट्रिशन ले मिट्टी इनको कॉम्पैक्ट बांध लेगी इन जड़ों को तो इनमें वो अभी आदत नहीं डली है वो एडेप्टन इनमें नहीं है कि ये मिट्टी में से भी फूड को एब्जॉर्ब कर सकें तो फिर ये धीरे धीरे जड़ें मर जाती हैं और आपकी कटिंग मिट्टी में नहीं चलती आप सोचते हो इतनी अच्छी चल रही थी बड़ी बड़ी रूट्स निकली हुई थी लंबी लंबी और पानी में चल रही थी और उसमें चली नहीं ये तो इसके लिए क्या करना होता है इसके लिए एक तरीका होता है पहले हमें इन जड़ों को धीरे धीरे आदत डालनी है कि ये जैसे पानी में से फूड को एब्जॉर्ब रही है उसी तरह से ये मिट्टी में भी फूड को एब्जॉर्ब करें ऐसे देखिए ये मैंने एक ये अब एग्लोनिमा की वैरायटी है या डेफिन बेकिया किया आप लोग बताना मैं इसको एग्लोनिमा अग, की कह के लाई थी और एज एग्लोनिमा ही सोचती हूँ कि ये है ट्रीट करती हूँ इसको देखिए मैंने पानी में डाला था देखिए कैसे जड़ें आ गई हैं दो दिन में आ गई हैं इतनी लंबी लंबी रूट्स देखिए तो पानी में आई हैं अगर ऐसा मिट्टी में मुझे लगाऊंगी तो फिर हो सकता है ये नहीं चले देखिए कितनी प्यारी प्यारी रूट्स आई हैं इसमें ये देखिए तो इसके लिए क्या करना होता है हमें कि पहले हमें इनको आदत डालनी पड़ेगी मिट्टी की उसके लिए हमें बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है बस हमें पता होना चाहिए कि ये पानी में उगी है अब ये मिट्टी में कैसे जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे जैसे देखिए ये पानी है ये बारिश का पानी है मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी इसी में बता देती हूँ आपको तो ये जो पानी है इसमें हम क्या करेंगे ऐसे मिट्टी डाल देंगे देखिए इसी पानी में देखिए ये इसमें मैं मिट्टी डाल देती हूँ अब क्या हुआ कि पानी तो ऊपर है और नीचे जो है वो क्या है एक लेयर बन गई है मिट्टी की नेचुरली जब हम पानी में मिट्टी डालेंगे देखिए नीचे एक लेयर मिट्टी की बन गई अब हम क्या करेंगे कि कि अपनी कटिंग को ऐसा ऐसी जो है वो सिचुएशंस दे रहे हैं कि ये पानी भी है इसमें और नीचे जो है वो मिट्टी है तो ऐसी स्थिति में इसको हम रख देंगे जैसे ये भी है इसकी ये नीचे की हटा देते हैं पत्ते एक दो इसको भी हम ऐसे करते हैं ये देखिए इसको भी ऐसे तो अब क्या है कि इसको दोनों सिचुएशन मिल रही है पानी भी मिल रहा है खड़ा हुआ देखिए ये पानी भी है और नीचे मिट्टी भी है तो अब ये जो जड़े हैं ये पानी से तो फूड एब्जॉर्ब करती ही रहेंगी साथ में मिट्टी भी है नीचे ये जड़े उस मिट्टी में भी एंटर करेंगी तो इनमें वो एडेप्टन भी आ जाएगा कि ये मिट्टी से भी धीरे धीरे इनको आदत पड़ जाएगी कि ये मिट्टी से भी खाना लेना शुरू कर देंगी फिर हम क्या करेंगे इनको एक हफ्ता ऐसे रखने के बाद फिर अगर हम इसको मिट्टी में लगाएंगे तो ये कटिंग जो है मिट्टी में बहुत अच्छी तरह चलेगी हंड्रेड परसेंट चलेगी तो बस ये ही एक ट्रिक होती है, कि पानी में जब आप कटिंग की रूटिंग कर लेते हैं उसको डायरेक्टली एकदम उठा के मिट्टी में नहीं लगाएं बीच में उसको ट्रांजिशनल स्टेज दें इसको कह देंगे ट्रांजिशनल स्टेज पानी से मिट्टी में ट्रांजिट करने के लिए इनको एक बीच में हमने दोनों मीडियम एक साथ दे दिए ताकि उसके लिए भी तैयार हो जाए तो ये करना स्टेप बहुत जरूरी होता है अगर आप पानी वाली कटिंग को मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये आइडिया और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिना सब्सक्राइब के अगर आप देख रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे अच्छा लगता है मेरे चैनल को एक बूस्ट मिलता है फन गार्डनिंग फैमिली हमारी बड़ी होती है तो मुझे एनकरेजमेंट भी मिलता है तो प्लीज अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें वो मेरे फेवर का काम हो जाएगा और हाँ अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जो घंटी का निशान होता है छोटा सा उससे क्या होगा अगर मैं मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो देख लेंगे Okay friends, bye!